हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 8 डिवोशन पाथ्स टू द डिवाइन पार्ट 2। सो इस वीडियो लेक्चर में हम इस्लाम और सूफिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। सेंट्स जो हमारे हिंदू धर्म में साधु रहे हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन थे सूफीज के अंदर। सूफीज इस्लाम धर्म में हमें देखने को मिलते हैं और इन्होंने एक दूसरे से बहुत सारे आइडियाज को अपनाए थे। मतलब हिंदुओं के साधु संतों ने सूफीज से बहुत कुछ लिया और सूफीज ने हिंदुओं के साधु संत से बहुत कुछ लिया। सूफीज मुस्लिम मिस्टिक्स होते थे एंड इन्होंने बोला, सारी चीजों को इन्होंने रिजेक्ट करते हुए बोला कि अंदर से प्यार होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए भगवान के लिए और दूसरों के लिए भी कंपैशन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए हमारे दिल में प्यार होना चाहिए। इस्लाम के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि मोनोथीज्म होता है, यानी कि सिर्फ एक भगवान है, अल्लाह है एंड और सबमिशन होता है एक भगवान के लिए, वन गॉड के लिए। 8th एंड 9th सेंचुरी के जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनने बहुत डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डेवलप किया। होली लॉ जिसको शरीयत लॉ कहते हैं, इस्लाम का ही अपना लॉ होता है, थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। वाइल रिलीजन जो था इस्लाम का वो काफी कॉम्प्लेक्स होता गया धीरे धीरे। सूफीज ने एक अलग ही डायमेंशन दिया जो कि फेवर करता था एक डिवोशन को भगवान के प्रति। एंड सूफीज हमेशा रिजेक्ट करते थे ये सारे रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर जो भी मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स बोलते थे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। जैसे हिंदूज में पुजारी बोलते हैं ऐसे करो वैसे करो, तो साधु संत उनको रिजेक्ट करते थे। वैसे सूफीज भी मुस्लिम स्कॉलर्स के रिचुअल्स को रिजेक्ट करते थे। उनका मानना था एक यूनियन होना चाहिए भगवान के साथ, प्यार होना चाहिए आपस में। सेंट पोइट्स की तरह ही सूफीज भी कविताएं कंपोज करते थे एंड अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे गाके। इनका अपना ही एक रिच कल्चर है जिसके अंदर बहुत सारे हमें एंसिडोट एंड फेबल्स देखने को मिलते हैं, मतलब कहानियां देखने को मिलती। एंड बहुत सारे ग्रेट सूफी संत हुए हैं सेंट्रल एशिया के अंदर जिसने गजाली दी है रूमी एंड सदी, लाइक नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगी। सूफीज टू बिलीव दैट हर्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज। नाथपंथी और सिद्धार्थ और योगी जैसे मानते थे, पहले की वीडियो में हमने पढ़ा है, वैसे ही सूफीज भी मानते थे कि हम अपने दिल को, अपने हर्ट को ट्रेन कर सकते हैं दुनिया को देखने के लिए। मतलब जैसा हम अपने दिल को बनाएंगे वैसे ही हमें दुनिया दिखेगी। एंड इन्होंने एक मैथड ऑफ ट्रेनिंग बनाया जिसको जिक्र बोलते हैं। जिक्र के अंदर क्या करते थे, भगवान का नाम लेते थे। जैसे हिंदूज में भी जैसे राधे 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 नाम जपते हैं, माला फेरते हैं, वैसे ही इनके अंदर भगवान के नाम को बोलने को जिक्र कहा जाता है। समा यानी सिंगिंग, जैसे भजन हिंदूज में होता है वैसे ही समा सिंगिंग। रक्स मतलब डांसिंग, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रीथ कंट्रोल एटसेट्रा, ये सारी चीजें ये करते थे। इनका जो मास्टर होता था जिसको पीर कहते थे, के अंदर बहुत सारे सिलसिले इमर्ज्ड हुए। सिलसिले क्या होता है, ये जेनेलॉजी होती सूफी टीचर्स की एंड ईच फॉलोइंग अ स्लाइटफुल डिफरेंट मेथड। मेथड का मतलब होता है तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस। तो सारे जो सिलसिले हैं वो अलग अलग सिलसिले होते हैं। सिलसिले क्या होते हैं, जेनेलॉजी होती सूफी टीचर्स की जिसके अंदर डिफरेंट मैथड्स बताए जाते हैं कि हमें कैसे रिचुअल प्रैक्टिस करनी है। फिगर 4 के अंदर देखें, कश्मीर के अंदर का है। द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज्म फ्लरिश इन 15 एंड 16 सेंचुरीज। दिस ऑर्डर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शेख नूरुद्दीन वाली, आल्सो नोन एज नंद ऋषि, एंड हैड अ डीप इंपैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल इन कश्मीर। अ नंबर ऑफ शेन्स डेडिकेटेड टू ऋषि सेंट कैन बी फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ कश्मीर। तो ये हमें इस फिगर में बताने की कोशिश की जा रही है। फिगर 5 में देखिए, ये एक पेज है मैन्यूस्क्रिप्ट का जो कि कुरान का है, डेक्कन से मिली है, 15th सेंचुरी की है। एक बहुत बड़ा जो नंबर था सूफीज का वो सेंट्रल एशिया से था और आके वो हिंदुस्तान में सेटल हो जाते हैं 11th सेंचुरी से। एंड ये जो प्रोसेस थी ये काफी ज्यादा तेज हो जाती है जब दिल्ली सुल्तान दिल्ली में राज कर रहे होते हैं, जो चैप्टर 3 में हमने देखा।
एंड विद सेवरल मेजर सूफी सेंटर्स डेवलप्ड ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट थे चिश्ती सिलसिला जो काफी ज्यादा इंडिया में पॉपुलर रहा। एंड यहाँ पर जो चिश्ती सिलसिला के अंदर टीचर्स आते हैं वो हैं जैसे कि ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती, ये अजमेर में इनकी दरगाह है, काफी फेमस है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये दिल्ली में है इनकी। बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन नाम पे तो स्टेशन भी है दिल्ली में और बहुत सारी ट्रेन का नाम ही है निजामुद्दीन जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो ये निजामुद्दीन कौन है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है दिल्ली के। एंड बंदनवास घिसूदराज ऑफ गुलबर्ग, तो ये सारे टीचर्स। सूफी मास्टर्स अपनी असेंबली सभा लगाते थे कनखक्स में। ये कनखक्स क्या होते हैं? हॉर्स स्पाइसेस होते हैं, जहां पर से लोगों को डिवोटीज को खाना वगैरह दिया जाता है, रहने की जगह दी जाती है। एंड यहाँ पर हर तरह के जो डिवोटीज हैं उनके डिस्क्रिप्शंस हैं, चाहे वो रॉयल फैमिली के हो या नोबिलिटी के हो या फिर वो कोई आम आदमी हो, सब कनखास जा सकते हैं। यहाँ पर ये लोग स्पिरिचुअल मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं और जो भी साधु होते हैं या सूफीज होते हैं उनकी ब्लेसिंग्स इनको मिलती हैं, ताकि ये दुनियादारी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। एंड वो जो म्यूजिक कवाली वगैरह करते थे सूफीज, काफी ज्यादा सूदिंग होती थी, इसको अटेंड करते थे। डांस सेशंस होते थे, बहुत ज्यादा जो पीपल होते थे वो एट्रीब्यूट करते थे सूफी सेंट्स को बहुत सारी मिरेकुलस पावर्स से। लोगों का मानना था कि इनके पास जादुई शक्तियां होती हैं जिससे वो सारी बीमारियां और प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। टॉम या फिर दरगाह बोल लो जो सूफी सेंट की है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थान बन गया है बहुत सारे लोगों के लिए। आज भी इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे मैंने अभी आपको मुइद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में बताया, तो वो दरअसल उनकी कब्र है अजमेर में, जहाँ लाखों लोग जाते हैं। फाइंडिंग द लॉर्ड, जलालुद्दीन रूमी, ये ग्रेट 13th सेंचुरी के सूफी पोएट है ईरान से, जो कि पर्शियन भाषा में लिखते हैं, तो उनके ही वर्क की ये है। ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियंस, आई वेंट टू द हिंदू टेम्पल्स, आई नन ऑफ देम वॉज देयर एनी साइन, ही वॉज नॉट ऑन द हाइट्स और इन द लोलैंड्स, आई वेंट टू द काबा ऑफ मक्का, ही वॉज नॉट देयर, आई आस्क अबाउट हिम फ्रॉम अविकैम द फिलोसफर, He was beyond the range of Avicen. I looked into my heart. In that his place I saw him. He was in no other place. तो ये क्या बोलते हैं कि मैंने वो क्रॉस भी देखा क्रिश्चियंस का, मैं हिंदुओं के मंदिर में भी गया लेकिन मुझे वहां कोई साइन नहीं दिखा। ठीक है, मैं काबा गया मक्का के, मुझे वो वहां भी नहीं मिला। फिर मैंने एक फिलोसफर से पूछा, मुझे उसने भी नहीं बताया, उसकी रेंज से बाहर था फिलोसफर की कि वो मुझे बता सके। फिर मैंने अपने दिल में झांक के देखा और यही वो जगह थी जहां मुझे वो मिला, वो कहीं और नहीं मिला। कहां मिला? दिल में मिला। दरअसल इनका बोलने का मतलब ये था कि कोई कहता है भगवान मंदिर में है, कोई मस्जिद में है, या कोई बोलता किसी और जगह पर है, लेकिन भगवान आपके दिल के अंदर है। ध्यान से देखिए भगवान कहां है, आपके दिल के अंदर। सो अब हमारा टॉपिक है न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। अब हम देखने वाले हैं उन रिलीजियस डेवलपमेंट्स को जो नॉर्थ इंडिया में हुए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेंगे, जिसके अंदर हम कबीर एंड बाबा गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे, सूरदास तुलसीदास, इन सब का जिक्र होगा, लेकिन वीडियो थर्ड में होगा क्योंकि एक अलग टॉपिक है नॉर्थ इंडिया के ऊपर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी इज विद्या साधना।